मुख्यमंत्री बनते ही विष्णुदेव साय सबसे पहले रायपुर के जयस्तंभ चौक पहुंचकर शहीद वीर नारायण सिंह जी को नमन किया। शहीद वीर नारायण सिंह जी की कल पुण्यतिथि पर नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के सभी महापुरुषों को नमन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आदिवासियों को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आदिवासियों के कल्याण का ख्याल रखती है। इनके हाँ आज शहीद वीर नारायण सिंह जी की 167वीं पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, इसलिए उनको आज श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हुए। देखिए वैसे कोई मांग वैसे नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नीचे इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है, लेकिन अगर आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी हमारे समाज की किसी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाई है। आज जो 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी पूरे देश में आदिवासियों की है, उनके उत्थान के लिए भारत सरकार में अगर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग की हितैषी पार्टी है।